अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हेयर रिव्यू। कैसे आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, हरियत से होंगे, खुश होंगे और सबको बहुत 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 ज़्यादा मुबारक है। कल पाकिस्तान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट में T20 मैच में इंडिया से जीत गया है और बहुत बहुत अच्छे तरीके से जीता है, या यूँ कह रहे बहुत बुरे तरीके से उनको हराया, कुछ भी चलेगा। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और कल के मैच के बाद तो बहुत ज़्यादा ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और हम भी बहुत खुश हैं, आप भी बहुत खुश हैं कि कल पाकिस्तान जीता है। सो गाइस, जहाँ अगर मैच की बात करते हैं तो वाकई जो मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी ऑनेस्टली, क्योंकि काफी टाइम से मैं देखती नहीं हूँ मैच क्रिकेट, लड़कियों का इंटरेस्ट होता है, बट इस दफा देखा। फर्स्ट टाइम देखा मैंने मैच, मैंने ना मैच फर्स्ट टाइम देखा था और वो भी इतने शौक से, और पाकिस्तान जीत गया। बस सारा क्रेडिट अपनी मेहनत थी, लेकिन मैंने देखने का भी यही का मूड नहीं था, वो मैंने बोला था ये चेंज कर दो, बहुत ही कोई नहीं हो रहा बस ठीक है, ये लोग शुरू हो गई तो बस फिर कुछ नहीं हो सकता। सो हम क्रिकेट की बात करें प्लीज, हाँ उसको क्रेडिट बाद में दे लेना। सो गाइस, अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं तो स्टार्टिंग से मैंने थोड़ा देखा था जब आउट पर आउट हो रहे थे, स्टार्टिंग में मेहर अफरीदी, शाहीन क्या नाम था, शाहीन तीन नाम है, बता समझ गई थी कौन सा शाहीन शाह, ओके शाहीन मुझे बार बार ठीक कहने दो यार, सीधा सीधा अफरीदी बोल दे, चल चल हाँ नहीं शाहिद, फिर शाहीन बोल दे सीधा सीधा। तो उन्होंने स्टार्टिंग में बॉलिंग की थी, मैं भी उन्होंने काफ़ी सारी विकटें उन्होंने गिरा दी थी, उसके बाद ही काफ़ी सारे बॉलर उन्होंने काफ़ी अच्छा मतलब उस वक्त भी किया और हमें लग रहा था कि इंडिया ने काफ़ी अच्छा स्कोर बना लिया जितना मेरा ख्याल था, बट बाद में जो ये लोग आए बाबर आजम और रिजवान, हाँ और उन लोगों ने जब बॉलिंग सारी और वो अन्य वहाँ खेलते गए खेलते गए सारा मैच मुका दिया, मतलब नंबर किसी और का आने नहीं दिया, उनकी एक्साइटमेंट एंड में देखने वाली थी वाकई, मतलब बहुत ज़्यादा बहुत सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ 10 विकेट से जीता है मैं भी पाकिस्तान, हाँ 10 विकेट से जीता है, और वाकई ये बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट थी स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। और इंडिया में सुना टीवी तोड़े जा रहे हैं, टीवी तोड़े जा रहे हैं, सॉरी। तो गाइस हमारे पास एक वीडियो है, वीडियो ऐसी हम बातें करते रहे तो बहुत बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप बोर नहीं होने देंगे हम आपको, बट फिर भी क्या पता होता है। सो हम पहले वीडियो देख लेते हैं उसके बाद हम बाकी की बातें करेंगे। नहीं मतलब बंदा जो थोड़ा सा सांस तो लेने देते ना यार, ये क्या बात हुई कि आपने मछली को कुंडी से पकड़ा हुआ उसको ना एक छोटी सी नाली के अंदर रखा है, ना उसको बाहर निकाल के मार रहे हैं ना उसको अंदर रहने में कोई फायदा है, वो खुद कह रही कि मुझे बाहर निकाल दो मार दो, इतना इतना बुरा मारता है कोई यार, वो था ना वो जो मोटू किस्म का स्काउट था उससे इंस्पिरेशन ले लिया कि बस धोते जाओ सारी टीम ने तो धो के रख दी इनको, या अफरीदी नाम ही जो है ना वो ही बहुत भारी है इनके ऊपर, पहले सुसर दी थे अब दमाद जो है वो भी आके यही हरकतें कर रहे हैं इनके साथ, क्या पूरी पूरी आवाम जो है वो बाहर निकल रही है सड़कों के ऊपर, पता नहीं पटाखे बजा रहे हैं क्या कुछ बजा रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, इधर हर कोई जो है वो बज ही रहा है सकर, लेकिन जो सबसे बेहतरीन किसी भी सेलिब्रेशन होती है ना वो होती है जो खामोशी से की जाए, जैसे कि ये जिसको ये सुनाना नहीं चाह रहे हमारा दोबारा से टाकरा हो जाए तो ज्यादा शोधा भी नहीं होगा चाहिए, अब एक क्योंकि ये पिछले वाला चैंपियंस ट्रॉफी में इसी किस्म की को हरकत की थी इन्होंने, वो कहते रहते हैं कि हम टीवी तोड़ देते हैं यार, एक तो पता हाँ अली जफर
हम लोग ना बेशक अमीर मुल्क नहीं है, मुल्क गरीब है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत अमीर है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम टीवी नहीं तोड़ देते। हम हमारे टीवी के ऊपर एक चैनल आ रहा होता है, हमें पसंद नहीं आ रहा, तो हम रिमोट पकड़ के चैनल नहीं चेंज करते, हम टीवी भी तोड़ देते, दूसरा टीवी रखते थे, उसके बाद दूसरा टीवी आ रहा होता है। पैसे की कोई कमी नहीं दोस्तों, खैर टीवी तोड़ने की बात हो गई है, तो देखो यार ऐसे किसी की भावनाओं के साथ खेलते हैं यार, अब उधर टीवी टूटेंगे। भावनाएं वक्त और हालात कैसे बदलते हैं। लड़कियां चली गई, ये जब भी पाकिस्तान की बैटिंग करते हैं स्टार्टिंग में बड़े बोलने को मिलते हैं।
गेम ओवर, इधर ही गेम खत्म हो चुकी है। जो बंदा अल्लाह के सामने झुकता हो ना और अल्लाह से डरता हो, उसको किसी इंसान से कोई डर खौफ ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ बाबर और रिजवान को ना बीच के अंदर ही रिटायर्ड हर्ट जाना चाहिए ताकि आसिफ रिमाद वगैरह को बीच में डाल देते, क्योंकि भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती। खैर हमारे जितने भी ब्रांड्स हैं उनसे गुजारिश है यार इनको सेलिब्रिटी बना दो। इस मुल्क के अंदर सिर्फ पॉलिटिशियन ही सेलिब्रिटी होते हैं या पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू करने वाले सेलिब्रिटी बन जाते हैं, बाकी तो कोई सेलिब्रिटी हमने बनाना नहीं है। किसी को हर किसी को लान दान और गालियां दे दी, इनको थोड़े से कॉन्टैक्ट्स वगैरह दो, पैसे दो, इनका थोड़ा मेकअप शेकअप करो, खूबसूरत करो, स्टाइलिंग करो, यहाँ पे जरा पिक्चर देख लें दोनों की, इसके अंदर खोली को जरा देखें और हमारे इसको बंदे को देखें। अच्छा खासा गुड लुकिंग आदमी है लेकिन आपको नीचे हल्के देख रहे हैं, कोई मेकअप नाम की कोई चीज नहीं, हल्का फुल्का कोई टचअप हो जाता है और कुछ तो कोई पोली वोली नीचे लगा दो, कोई लाइटिंग थोड़ी बेहतर कर लो, ऐसा भी कुछ नहीं। मुझे तो लग रहा है कि यहीं पर ना किसी बट स्टूडियो से पिक्चर्स खिंचवा के उन्होंने वहां पर भिजवा दी है। अगर बट स्टूडियो से नहीं भी खिंचवाई तो आईसीसी अगर कर रहा है तो वो थोड़ी तमीज करनी चाहिए, गहरी किस किस्म की तस्वीरें। ऊपर से आप हमारी किट की जरा फिट देख लें, ये एथलीट्स हैं, इनके यहाँ से बाजू जो है वो खुले हुए हैं, पता नहीं क्या जिस तरह सर घुसाए हैं इन्होंने बाजू के अंदर से, या कुछ खुदा का खौफ करो तुम्हारे सामने किट है इंडिया की, इनसे थोड़ी सी इंस्पिरेशन है। पता नहीं पीसीबी की 1973 की मेंटेलिटी थी वर्ल्ड कप खत्म होगी। ये आपका एक ब्रांड है, आपके मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड किस्म के लोग होने चाहिए जो ये सब चीजें कर रहे हो, जो थोड़ी बेहतर मार्केटिंग कर रहे हैं। ये कोई इतनी बड़ी कोई साइंस नहीं है, ये आजकल हर जगह पे हो रहा होता है, हर छोटे बड़े इदारे के अंदर हो रहा होता है। किसी भी एक पीआर एजेंसी को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दें जिसका काम सिर्फ इनकी पैकेजिंग करना हो, तरीके से जिंदगी कर रहे हैं और कुछ नहीं तो फिट ठीक हो, कुछ हया कर लो हीरोज हैं यार। थोड़ी बहुत कपड़ों की मेरे शेख ने लाल हवेली में क्या कुछ सेलिब्रेशंस किए पिंडी के अंदर, देखो उसकी शादी की तो कोई सेलिब्रेशन हो नहीं सकी, तो उसने कहा कि लाइटिंग की ताली नहीं है तो कहीं का नुकसान हो, टिकट ले लिए मेरे दोस्तों ने, आया आया अभी भी अगर आप देखें ना तो सारा का सारा जो बोझ है ना वो मेरे दोस्त सरफराज के कमजोर कंधों पे है, लेकिन वो चुप करके नीचे बैठा हुआ है। तुम लोगों को नहीं पता असल जो रीजन है इस जीत का वो यही आदमी मेरा आसिफ भी इधर ही खड़ा था। अब देखो ये इसी बंदे की बरकत है जिसकी वजह से हम मैच जीते। ग्राउंड के अंदर भी ट्रोलिंग शुरू कर दी है तुम लोगों ने, कोई इंडियंस बेचारे थे जो कि मासूम जा रहे थे और तुम लोगों ने उनको किस्म के गाने गाए हैं। चीख है उसका गला फटा हुआ, लेकिन एक बात है कि उसने सुर जो है ना वो बिल्कुल अपने हाथ से जाने दी, पूरे लाग लगाए बॉय। खुशी तो होती ना तो वो फिर घर वालों को ही होती है। बाबर आजम के फादर चेक करें मेरा गेलू भी आया हुआ था तैयार होकर, आधा इंडियन और आधा पाकिस्तानी बना हुआ था, बिल्कुल बॉर्डर बना हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के बीच। खैर मैच शुरू होने से पहले बड़ी जबरदस्त की एक प्रैक्टिस भी की हमारी दोनों टीम्स ने, कि उन्होंने एक नी के ऊपर बैठे और पाकिस्तान ने अपने दिल के ऊपर हाथ रख लिया। ये जो ब्लैक लाइव्स मैटर का जो इनिशिएटिव है ना उसके ऊपर इन्होंने हरकत की है। बड़ी हैरत की बात है क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों के अंदर सबसे बड़ा जो बिजनेस चल रहा है ना वो भी रंग गोरा करने की क्रीम कहीं चल रही है। किसी ने गोरा होने आप तो ये समझा था कि गोरा आदमी तो दिल के भी बड़ा अच्छा होगा, जो काला आदमी है वो ऐसी गंदा है, मिले नहीं मिले इसको परे करो, ये बंदा जो है ना मुझे शक्ल नहीं महसूस लग रहा है। मेरा दोस्त शाहीन जो है ना यार कन्फर्म जनती वो फिरदोस आपा ने क्या थप्पड़ मारे होंगे जो मेरे इस दोस्त ने मारे हैं कल इंडियन टीम को। जो बॉय ने बॉल करा दी थी पहले शर्मा को, उसके बाद उसने बॉल कराई है केएल राहुल को, मतलब बीच में से काटा है उसको। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि मेरा रिएक्शन क्या शो करूं, बहुत से मीम्स भी हैं तो मैं उन्हीं को देख लेता हूं। अफरीदी ने इनकी पैंट खोली, आग लगी बस्ती में हम अपनी मस्ती में, पाकिस्तान वर्सेस दूसरी तरफ हुआ श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा यार, वो भी श्रीलंका जीत गया, बड़ी जबरदस्त का मैच हुआ, पता नहीं 170-175 रन चेज कर लिए उन्होंने यार। पाकिस्तान इंडिया से जीत गया, हमें क्या लेना देना बाकी कौन सी टीम से कुछ लेना देना नहीं। हाँ बगैर जी न्यूजीलैंड से भी जीत जाते हैं सरकार लोग, ऐसे स्पोर्ट्समैन इनसे मजा आते हैं। शो किए मेरे कोहली ने क्या वो मैच भी कभी मिस नहीं करते, किसी और की जीत में भी इतना सेलिब्रेट करना जो है ये बड़े प्लेयर्स की निशानी होती है। सो गाइस ये थी इनकी वीडियो जिनमें ने काफ़ी सारी बातें की क्रिकेट के बारे में, काफ़ी सारे क्रिकेटर्स के बारे में, अगर शाहीन शाह अफरीदी की जो इन्होंने फर्स्ट में बात की थी तो वाकई वो शाहिद अफरीदी की तरह ही हैं, मतलब वो भी जैसे वो करते हैं अपना काम जिस लगन से करते हैं दिल लगा कर, तो वाकई लगता है वो भी उनकी इतना एक बड़ा नाम बनाएंगे। ऊपर से फिर उनके ससुर उनका ऑलरेडी बड़ा नाम है, सो काफ़ी इनका आगे चलने वाला है, नज़र आता है यार वहाँ के जरा सीन यहाँ पे भी हैं। फिर जिसका ससुर इतना हैंडसम वो बंदा खुद भी अच्छा खासा हैंडसम है, बंदा क्या बोले इनको मतलब पहली दफ़ा इतना हैंडसम ससुर किसी का देखा जब भी तक जवान है, अच्छा खासा जवान है यार, नहीं लगता कहीं से भी। मुझे जब मैं पता चला इसके दामाद है मैं तो एक दफ़ा हैरान हुई थी यार, वाकई उनका दामाद है, उनकी बेटी इतनी बड़ी होगी और किसी आगे उसे नहीं लगते। और बाबर आजम वाकई मैंने सुना था, अभी भी क्लिप्स देखे थे तो उनमें बोल रहे थे कि उन्होंने हमेशा मतलब बोल रहे थे कि छोटी टीम्स का कहते थे कि छोटी टीम्स के खिलाफ वो हमेशा खेलते हैं, मतलब कमज़ोर खिलाड़ी के खिलाफ,
तो अब उन्होंने प्रूव किया खुद को, सो और अच्छे तरीके से प्रूव किया, किसी को बहुत जरा सा भी ही शक अच्छे नहीं होने तरीके। चाहिए, 1% भी नहीं। बाकी बहुत बहुत अच्छा मैच खेला, इंडिया ने भी अच्छा खेला था। लिटरली मुझे नहीं लगा था कि इस तरीके से इतने इस लेवल पे आके वो लोग हारेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में वो लोग अच्छे थे और सही रन थे उनके। मुझे सही इतना आइडिया नहीं है, बट मुझे सही लगा था। और लेकिन बाद में जो हुआ वो फिर वाकई जहाँ पे सब हैरान है वहाँ पे फिर मेरा तो हैरान होना बनता ही है। तो बस यही सबकी एक्साइटमेंट है सुकुमारी को। और वीडियो 15 मिनट की हो चुकी है। सो गाइस, हाँ वीडियो का फिल्म ही तो बस एंड करते हैं कि ये एक जस्ट गेम है, ठीक है? तो इसको गेम की तरह नहीं, इसको ज़्यादा सीरियसली मत लें। उन बेचारे यूँ टीवी का कोई कसूर नहीं है। यूँ मतलब उन क्रिकेटर्स को या जो गेम खेल रहे थे उन लोगों को यूँ कहना बार बार या इल्ज़ाम लगाना जो भी आप जैसे भी कर रहे हो बस गेम थी, वो लक गलत है। था, पहले पाकिस्तान काफ़ी ने दफ़ा जीता हम हार था। रहे हैं तो अब हम इसलिए सेट हैं कि काफ़ी अरसे बाद हम इंडिया से जीते हैं T20 वर्ल्ड कप में, जितना मुझे पता है। तो मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादा क्रिकेट नहीं देखा है ना मैं जानती हूँ, बस इतना पता होता है हाँ भाई मैच हो रहा है, मैच हो गया रिजल्ट बता दो बस, और कुछ भी पता नहीं। होना चल जाता है। सो काफ़ी अच्छा रहा है, और वहाँ के भी क्रिकेटर्स काफ़ी अच्छे हैं। विराट नहीं पता नहीं क्या, हाँ वाली विराट कोहली कार्ड, को हाँ सी दिखाए थे अरे जाने साथ, क्या क्या नाम है सो उनका, डेड मुझे वेट नाम नहीं याद किसी मुझे का नहीं नहीं याद याद। सो वहां पे वो जो नाथ थे ना, भाई कल हम वो पढ़ रहे थे उधर, तो हमें समझ नहीं आया कि लिखा हुआ क्या है। तो भाई उनके काफ़ी अच्छे बड़े फैन हैं, इनफैक्ट इंडियन क्रिकेटर्स के यहाँ भी काफ़ी फैन हैं। जो लोग क्रिकेट को समझते हैं ऐसा गेम, और जिन लोगों की गेम अच्छी होती है उनको लाइक करते हैं, फिर वो ये नहीं देखते कि वो इस टीम से हैं, पाकिस्तान की टीम से हैं या कहीं और की टीम से। सो एक्साइटेड हो, इंजॉय करो, बट ओवर एक्साइटेड मत हो, गुरूर मत करना प्लीज़। हमारे लिए जो नेक्स्ट हमारा मैच है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस दफ़ा बहुत तो बहुत इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट है। सो गाइज उस पर भी ध्यान दीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट हाँ है। क्योंकि वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मे बी वो इस दफ़ा इंडिया के मैच, इंडिया और पाकिस्तान के मैच से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच। सो अल्लाह उसमें भी हमें कामयाबी दे, आमीन। आमीन सो अल्लाह के दे इस दफ़ा पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते। मीन्स मम्मी और क्या, और भी बहुत कुछ है बट वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। सो गाइस एंड करते हैं, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और बहुत बहुत सारी दुआएं कीजिए कि आगे भी हम लोग जीतें, और वीडियो को लाइक कर दें और न्यू आने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और कमेंट्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, ये कॉमेडी भी कैसी जाते लगी। जाते एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दे दें कि अब ये ज्यादा नहीं बोलती, हमें बोलने का मौका देती हैं कि नहीं हमने देती। शुरू में बोला था हम मानते हैं, हमने बोला था इसको भी अंदर रखो क्योंकि हमने भी बोला था, और लेकिन ये कुछ ज़्यादा बोल की है तो वीडियो लंबी हो गई मासूम, है, जिसकी बाद वजह में ये होता से है, बाद में ये होता है कि हमने कुछ बोला ही नहीं। हमने भी नहीं कुछ बोला, चलिए वीडियो अब ख़त्म करते हैं और 18 मिनट क्यों क्या है। ओके चलो अल्लाह हाफिज़ करो, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह फ्रेंड्स, हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।